हेलो एवरीवन, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं अकेडमी गेट चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। और मैं आपको आज इलेक्ट्रिक सर्किट की क्लास दे रहा हूं गेट 2021 के लिए। ये क्लासेस बेनिफिशियल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशल सेशन में मैं आपको वायदेक स्टील की भी क्लास दे रहा हूँ, चार क्लासेज हो जाएंगी अभी मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ। तो ओवरऑल हम 130 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उन चार वीडियो में। उन सारे के सारे वीडियोस को आप देखिए, वे भी आपको काफी बेनिफिशियल करेंगे आपके वायदे के स्टील एग्जाम के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एक मिनट, मैं यहां से पेन ले लूं। यस, लेट्स स्टार्ट। बेटा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो अब तक मेरे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, और इन 8 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको क्या दे रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या दे रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यही जो है मैक्सिमम अगर बात करूं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल है। ठीक है, तो प्लीज इन लेक्चर्स को भी आप जाके देखिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बताइए कि आपको अनअकैडमी गेट चैनल पे गेट के 2021 के लिए फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, कंप्लीट सिलेबस होगा आपका यहां पर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। क्या है आज का टॉपिक, देखिए बेटा, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट मेरा मॉड्यूल चल ही रहा है। अगर मैं बात करूं अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इस मॉड्यूल के अंदर, तो मेन अगर यहां से शुरुआत करी थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पढ़ाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, फिर मैंने आपको सारे के सारे एलिमेंट्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, आईवी करेक्टरिस्टिक्स, एक्टिव, पैसिव, बायलेटरल, यूनिलेटरल, ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एलिमेंट करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया है इसमें इंपॉर्टेंट, कि मैश, नोडल, ठीक है, लूप, ठीक है, जो आपके ग्राफ थ्योरी का बेसिक फंडामेंटल यहां से बनेगा। ठीक है, मैश, नोड, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको केवीएल एंड केसीएल पढ़ाया। ठीक है, केवीएल एंड केसीएल विद एग्जांपल विद सॉल्यूशन करवाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके साथ, सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर, तो इन सबको हम किस तरीके से सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कैसा होगा, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कैसा होगा। ठीक है, और सीरीज में कनेक्ट करने पर सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, पैरेलल में कनेक्ट करने पर सर्किट के पैरामीटर कैसे चेंज होंगे। ठीक है, वो सब मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इम्पॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक फंडामेंटल्स सर्किट्स और नेटवर्क को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट आप सबसे, मुझे यहाँ पर अभी तक बच्चे जो है चैनल पर आकर कनेक्ट नहीं हो रहे। बेटा जब तक आप इस चैनल पर आकर कनेक्ट नहीं होंगे मुझसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, या मुझे आपको अभी और क्या क्या चीज़ें देनी है। आपको कोई डाउट है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ये आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तब क्या पैरामीटर्स मिलेंगे वोल्टेज करंट के, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, क्या वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है, क्या डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है, वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट सोर्सेस, क्या सेम करंट सोर्सेस को सीरीज में लगाया जा सकता है, या डिफरेंट करंट सोर्सेस को सीरीज में लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है तो क्यों लगाया जा सकता है, और नहीं लगाया जा सकता तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स को अब हम पैरेलल में लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हमें जो पैरामीटर्स मिलेंगे तो वो सीरीज से कितने डिफरेंट होंगे और क्या चेंजेस आएंगे वोल्टेज एंड करंट में। ठीक, पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, तो पैरेलल कनेक्शन में आपको वोल्टेज सोर्सेज पढ़ाऊंगा, क्या वोल्टेज
सोर्सेस को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, क्या ये केवीएल को वायलेट करेंगे नहीं करेंगे, इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट सोर्सेस, ठीक है, क्या इन्हें कनेक्ट किया जा सकता है, पैरेलली कनेक्ट किया जा सकता है डिफरेंट करंट सोर्सेस वैल्यू को या सेम करंट सोर्सेस वैल्यू को, वेदर दे वायलेट द केवीएल केसीएल, तो वो आज हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। इन्हीं से आगे फर्दर जब मेरी क्लास होगी तो आपको वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा, काफ़ी चीज़ें और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो आई होप विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने टॉपिक से। सो बेटा आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँगा मैं, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं आराम से अपना, उसके बाद देखते हैं। ठीक, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये लगाए रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगाया मैंने वोल्टेज सोर्स, और इस वोल्टेज सोर्स को मैंने पूरा का पूरा क्लोज पाथ में बंद किया। यहाँ पर ये है आई एस, दिस इज द वी एस, एक मिनट मुझे इंक चेंज करने दो बेटा आप, ठीक, दिस इज द आर वन, दिस इज द आर टू, दिस इज आर थ्री एंड अप टू आर स्मॉल एन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ व्हाट इज वी एस, वी एस बेटा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। व्हाट इज आई एस, आई एस इज करंट सोर्स, दिस इज द करंट सोर्स, आई होप ये चीज आपको पता चली हो। एंड दीज ऑल आर, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे हम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सीरीज इंटरकनेक्शन इज दैट कि बेटा इसमें द इस पूरे के पूरे सीरीज इंटरकनेक्शन में, इन सीरीज इंटरकनेक्शन, इन सीरीज इंटरकनेक्शन द करंट रिमेन सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, द करंट रिमेन सेम, द करंट रिमेन सेम इन ऑल एलिमेंट्स, इन ऑल एलिमेंट्स, बट ठीक है, बट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट मे और मे नॉट बी, may or may not be remain same, very important line. So यहां से fact क्या निकल के आया बेटा मेरे पास कि sir according to series interconnection जैसा आप बता रहे, the value of current remain same and वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम मीन्स दैट वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज, वोल्टेज इज रिमेन सेम, सॉरी वोल्टेज कह रहा हूं, वोल्टेज रिमेन सेम और मे नॉट बी। So, जैसा कि आपको पता है सीरीज में हम क्या बोलते हैं, देर इज ए डिवीजन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज, ठीक है, यहां पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज डिवाइडेड एंड व्हाट्स अबाउट करंट, सो यहां पर ये जो करंट है आई एस इट विल रिमेन सेम, मतलब ये यहां पे भी इसी में आई एस भी फ्लो करेगा, इसमें भी आई एस, यहां पे भी आई एस और आई एस, ठीक है। सो करंट
is same or same current flow in each element. In each element. So very important fundamental to understand that कि there is a यहां पर अभी R1 की वैल्यू अलग है तो वोल्टेज यहां पर अलग होगा. यहां पर वोल्टेज इज V2, वोल्टेज अक्रॉस V3 एंड देयर इज अ वोल्टेज Vn, बट द वैल्यू ऑफ करंट इज रिमेन सेम इन ईच एलिमेंट एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ वोल्टेज. अब ये जो डिवीजन ऑफ वोल्टेज है, यहां पर वोल्टेज डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. इफ दे आर डिफरेंट रेजिस्टेंस देन देयर इज वोल्टेज अक्रॉस दीज रेजिस्टेंस आर डिफरेंट. इफ दे ऑल आर सेम देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम. ठीक, तो ये सब चीजें हम अभी आगे दिखेंगे, आगे चलता हूं आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ. सो अकॉर्डिंग टू केवीएल, वेरी इंपॉर्टेंट, कल ही बताया था कि सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या सम ऑफ ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन क्लोज लूप इज इक्वल्स टू जीरो. सो कम टू दैट पॉइंट. अब देखिए, छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर हेल्प करेगी. आपने बताया था सर, व्हेन द करंट एंटर्ड इन अ पैसिव एलिमेंट वी मार्क एज पॉजिटिव, व्हेन इट लीव द एलिमेंट वी मार्क एज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो यहां पर ये जो वोल्टेजेस है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, सो एक और बात याद रखना, व्हेन द नेगेटिव कनेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट पॉजिटिव, ऐसा आपको कहीं पे भी मिले, देन द देयर इज ए इंटरकनेक्शन इज सीरीज इंटरकनेक्शन. दिस इंटरकनेक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, सीरीज इंटरकनेक्शन बोलेंगे. नाउ अप्लाई केवीएल, केवीएल इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो सबसे पहले पोलरिटी क्या पड़ेगी यहां पर, वीए माइनस का वीएस, बाकी आप समझदार हैं. सो इट इज वीएस ठीक प्लस वीएन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस अप टू वीएन एंड दे ऑल आर मस्ट इक्वल्स टू जीरो. एल्जेब्रिक सम इन सबका क्या होगा, जीरो होगा. सो देन वी एस इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस अप टू वी एन. ठीक है, यानी वी एस इक्वल्स टू इनके सम के बराबर होगा. दिस वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है, वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन सर्किट. ठीक, अब यहां पर एज वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR, so put value. So here Vs is V1 is equals to Is R1 plus V2 is equals to Is R2 plus V3 is equals to Is R3 up to plus Is Rn. ठीक, so this Vs is equals to आई एस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस अप टू प्लस आर एन एंड दिस वी एस अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस अप टू आर एन. ठीक है बेटा, एंड दिस होल टर्म, this whole term I called it as R equivalent. ठीक है, equivalent resistance of circuit, valent resistance of circuit means that कि सारे resistance को add करके जो मिला वो मुझे एक equivalent resistance मिल गया. वन प्लस वन प्लस वन, मान लो तीन resistance है तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, सीरीज में सबको ऐड कर देंगे. तो यहां पर हम सबको क्या कर रहे हैं, ऐड. ठीक है, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. वेदर रेजिस्टेंस या हो
या आपका इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। कैपेसिटर के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इंडक्टर के केस में भी यही चलेगा, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, सो आप बोलेंगे सर द इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन एनी टर्म अक्रॉस एनी टर्मिनल, अक्रॉस एनी टर्मिनल इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल टू द करंट पासेज अक्रॉस अक्रॉस द टर्मिनल नेटवर्क। आई होप मीन्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस प्लस आर एन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से चीजें क्लियर होनी है आपको, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने करा क्या ओवरऑल, अब अगर मैं उस डायग्राम को इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज आई एस, दिस इज वी एस एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट और हियर इज अ वोल्टेज ड्रॉप वी इक्विवेलेंट, ठीक है। सो अगर अब आपसे कोई ये पूछना चाहे आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर वन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर टू एंड आर थ्री, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर फाइंड आउट करने के लिए, वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर मीन्स मैंने कह दिया आर एक्स फॉर सीरीज एलिमेंट, ठीक है, फॉर सीरीज इंटरकनेक्शन, फॉर सीरीज इंटरकनेक्शन। सो क्या करना होगा आपको, दिस वी एक्स इज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज सिग्मा आर आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वन, दिस इज एन मल्टीप्लाई बाय आर एक्स, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो फॉर्म है बेटा, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। बेटा अभी अभी के लिए ना, अभी अपने माइंड में से इतना याद रखना, मैं इसे अगली क्लास में भी डिस्कस करूंगा। सो अभी के लिए अभी हम इतना ही से रखते हैं, बाद में मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं मैं अपना। इफ इफ ऑल रजिस्टर, ऑल द रजिस्टर हैव सेम वैल्यू, सेम वैल्यू मीन्स आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन इक्वल्स टू आर, ठीक। सो आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर प्लस आर अप टू आर इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, यहां पे एन टाइम्स तक है तो एन मल्टीप्लाई बाय आर। सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, जब वैल्यू सबकी आर है तो सबके अक्रॉस भी क्या होगी, वोल्टेज, वोल्टेज सेम हो जाएगा,
then V1, V2, then V3 up to Vn, which is equals to Vs. ठीक है, किसके बराबर होगी? Vs के. So हमारा वो वाला फॉर्मूला कैसे अपडेट हो जाएगा? Vx is equals to Vs upon R equivalent की जगह क्या पुट कर दूंगा? ठीक. और यहां पर R Vs upon N. ठीक. तो यहां पर मतलब क्या है कि अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे और जो वोल्टेज होगा उससे मैं क्या कर दूंगा, उसे डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उन रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो. लेट्स टेक इट एन एग्जाम्पल. सो यू अंडरस्टैंड, मैं यहां छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा. इट इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट. सो इफ आई फाउंड टू द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, हेयर 1+1 इक्वल्स टू 2 ओम. ठीक, IS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट देन 10 / 2 इज इक्वल्स टू 5 एम. यहां से ये 5 एम्पियर आया, देर इज एन वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5 वोल्ट ±5 वोल्ट. ठीक, सो अगर मुझे इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना था तो क्या कर देना है मेरे को, कि Vx अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो मैं जितने भी एलिमेंट है, यहां पर कितना है, 2 एलिमेंट है, 1 और 2. ठीक, सो Vs अपॉन n, 10 / 2, ठीक, 5 वोल्ट मुझे क्या मिलेगा, 5 वोल्ट. तो ये आपको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, नॉट ए बिग डील. ठीक है, गेट स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो सभी का लेवल रहता है, बट मैं उस बच्चे के हिसाब से भी सोच के बता रहा हूं जो शायद पहली बार बैठा है, तो उसे सारी चीजें पता होनी जरूरी है. ठीक है बेटा, तो माइंड मत करना कि सर ये कैसा क्वेश्चन आपने करा दिया, मैं यहीं क्लियर कर रहा हूं. ठीक, वरना बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है बीटेक वालों को, सर क्या बता रहे. सो यहीं क्लियर कर दिया, सबके सिनेरियो को देखते हुए, एक जीरो लेवल से जो शुरुआत कर रहा है उस पॉइंट्स को देखते हुए मैंने ये चीज यहां पर रखी है. सो यहां तो अब आपको ये मैंने चीज क्लियर करा दी. हमने क्या देखा बेटा, हमने यहां पर जो समरी है मेरी सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की, कि सर इसमें करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम भी रह सकता है, मे नॉट बी सेम, इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वैल्यूज. ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा ये. ठीक है, दूसरी बात, सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम सबको ऐड कर देते हैं सीरीज में, या करंट सोर्स और वो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को डिवाइड कर देंगे तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी वोल्टेज के अक्रॉस मुझे फाइंड आउट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज डिविजन रूल का इस्तेमाल हम करेंगे. ये मैंने करके भी बता दिया आपको यूज. अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द ईच एलिमेंट, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच एलिमेंट इज मस्ट बी इक्वल्स टू Vs और सेम. ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको सही से अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा. ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक आगे चलता हूं. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे प्लीज, ये गेट ऑफ पॉइंट व्यू से, तो मैं रेड पेन से कर रहा हूं यूज. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सीरीज इंटरकनेक्शन, सीरीज इंटर कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, क्या सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है वोल्टेज सोर्सेस को? पॉइंट ये है. तो आप बोलेंगे सर लेट्स टेक इन
केस फर्स्ट। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा लोड है, हेयर टू सोर्सेस प्लस माइनस, ठीक है, दिस इज वी वन, दिस इज वी टू, ठीक है, प्लस माइनस वी एल, ठीक है, और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है आई एल। तो ये केस फर्स्ट है बेटा, दिस इज द लोड करंट, लोड करंट, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस लोड, और यहां पर टू सोर्स वोल्टेज है मेरे पास, टू सोर्स वोल्टेज। तो अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई द केवीएल इन दिस लूप, इफ द केवीएल इज सेटिस्फाइड देन दिस सर्किट इज वैलिड। इट डायरेक्शन के अंदर केवीएल लगा देते हैं, सो माइनस का वी टू, अप्लाई केवीएल टू फाइंड द वैलिडिटी, टी ऑफ सर्किट, ठीक, दिस इज माइनस का वी टू, दिस इज द माइनस का वी वन, एंड हेयर मैंने बताया था जो पहली पोलरिटी पढ़े टेक इट, सेकेंड वाले को लीव इट, अगेन पहली पोलरिटी सोर्स की टेक इट, सेकेंड वन लीव इट, ठीक है, फिर फर्स्ट पोलरिटी इन मूविंग डायरेक्शन में जो भी आपको मिलेगा जीरो, देन वी एल इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, हेयर केवीएल इज सेटिस्फाइड, ठीक है, यहां पर मेरा केवीएल, यानी अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं बेटा, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, अब इसे क्या कैसे, सर जो V इक्विवेलेंट मिला है आपको, इट इज द सम ऑफ V1 प्लस V2 एंड हेयर VL, ठीक, दिस इज द IL लोड करंट, ठीक, सो यहां पर चलते हैं, लिख लेते हैं इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इफ N नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, N नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम पोलैरिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इट्स इक्विवेलेंट वी एस विल बी, इट्स वी इक्विवेलेंट या वी एस विल बी वी इक्विवेलेंट, क्या कर देंगे सर आप, वी वन प्लस वी टू प्लस वाट, जब तक आपको दे रखे हो चाहे वी एन दे रखे हो, ठीक है, और ये सब किसके इक्वल होंगे, वी एल के इक्वल होंगे, यहां पे अभी मैंने दिखा दिया। तो मतलब क्या है, सेम पोलैरिटी, ठीक है, चाहे मतलब ये आपको कनेक्टेड हो, नंबर मतलब नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम पोलैरिटी या डिफरेंट पोलैरिटी अगर आप कनेक्टेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या है, सेम पोलैरिटी ली है मैंने, सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी है, अब डिफरेंट डायरेक्शन में पोलैरिटी लेकर देखते हैं कि हमारा केवीएल, केस सेकंड लूंगा मैं, ठीक है, तो अब केस सेकंड ले लेते हैं बेटा, अगेन केस सेकंड, वेट मिनट, हाँ, अब आप बोल रहे हैं सर मैं तो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करूंगा, मुझे आप तब बताइए क्या ये तब वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे चलो आओ ट्राई करके देखते हैं, मैं कहूंगा कि लेट्स ट्राई, वेट मिनट, ठीक,
ठीक, तो ये इस तरीके से यहां पर ये नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, एंड अगेन दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द वीएल, दिस इज द आईएल, अगेन दिस इज द लोड करंट, दिस इज द लोड करंट, दिस इज द लोड वोल्टेज, ठीक है, दिस इज द वी वन, दिस इज द वी टू, दिस इज द सोर्स वोल्टेज। सो इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई, फिर वही वाला अपना केस कि हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए, या तो केवीएल केसीएल और आपकी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल अप्लाइड होना चाहिए सर्किट में, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, तो जब मैं केवीएल इस पे अप्लाई करूंगा तो लेट सी व्हाट आई गॉट, आई गॉट पॉजिटिव वी टू, देन आई गॉट नेगेटिव वी वन, देन आई गॉट पॉजिटिव वी एल, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, तो हियर वी एल इज इक्वल्स टू वी वन माइनस का वी टू। मतलब जब सेम पोलैरिटी है वोल्टेज का सेम डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में एड हो रहा है, देन द वोल्ट इक्विवेलेंट वोल्टेज मस्ट बी एड। अगर डिफरेंट पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन द हियर इज वी डू सब्सट्रैक्शन, इक्विवेलेंट वोल्टेज जो आएगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। नाउ मेक इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम, पॉजिटिव वी एल, दिस इज दी आई एल, एंड हेयर आई गॉट द वैल्यू वी वन माइनस वी टू, ठीक, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज माई वी इक्विवेलेंट और वी एस, ठीक, तो ये वैल्यू मेरे को यहां पर मिलेगा, ठीक, ओके, क्लियर, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ठीक। अब उसके अंदर भी हमें क्या है, ये हमेशा बस आपका केवीएल जो है आपका सेटिस्फाइड रहना चाहिए, तो मैं यहां से क्या निकालता हूं, एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम, ऑब्जर्वेशन क्या सर, ऑब्जर्वेशन ये है कि वोल्टेज सोर्स ऑलवेज, मतलब इन, लिख लेते हैं चीज को, इन सीरीज इंटरकनेक्शन और कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑलवेज अप्लाई केवीएल एंड केवीएल मस्ट सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड इट, इट डजेंट मैटर दैट विच काइंड ऑफ पोलैरिटी, विच काइंड ऑफ पोलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स इन दैट सर्किट, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये बात आप याद रखना, केवी जब भी आपको फाइंड आउट करनी होगी ये पोलैरिटी इक्विवेलेंट सोर्स का, मतलब आपको इक्विवेलेंट सोर्स जब भी फाइंड आउट करना है तो आपको क्या अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल सर्किट के अंदर सेटिस्फाइड होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसी भी पोलैरिटी हो, सेम पोलैरिटी हो, डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स की, इट डजंट मैटर,
बस आपका केवीएल सेटिस्फाइड होना चाहिए। और आप क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से मैंने बता दिया आपको। अगर आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेंगे तब भी ये कंडीशन सेम रहेगी। मतलब क्या है, एक केस ले लेते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, एक मिनट, इसे नहीं लेते अभी, हम केस दूसरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं यहां पर, तो कुछ नहीं करेंगे आप, वहां पर सीरीज रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। ठीक, तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब यहां पर आप समझ गए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोलैरिटी सेम रहे डिफरेंट रहे, आप उसे फाइंड आउट करने के लिए केवीएल लगाएंगे, केवीएल आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर पोलैरिटी कुछ भी हो। अब सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट सोर्स देखेंगे, हम सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट सोर्स। ठीक, सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट सोर्स। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट सीरीज कनेक्शन देखते हैं हम। एक सर्किट बनाता हूं मैं फिर से, केस फर्स्ट लेते हैं हम, केस फर्स्ट। सो सीरीज कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस वीएल, दिस इज लोड, दिस इज आईएल, यहां इसे आई ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द सोर्स, सोर्स ओ सॉरी लोड करंट, दिस इज द लोड करंट, दिस इज द लोड वोल्टेज, एल इज द लोड वोल्टेज, एंड हेयर आर द सोर्स करंट, दीज टू आर सोर्स करंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, सो केस फर्स्ट लेते हैं, तो केस फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई केवीएल। ठीक है, हमेशा करंट सोर्स के लिए आपको क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी मैं वहां केवीएल भूल गया, यहां पर अप्लाई ऑलवेज केसीएल। ठीक है, केस फर्स्ट जब दोनों करंट सोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, अब आप कोई सा भी नोड ले लीजिए, यहां पर इस नोड की बात कर लेता हूं, नोड पी। ठीक है, नोड पी, तो केसीएल क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां से आउटगोइंग करंट कितना जा रहा है, आई, और इनकमिंग भी कितना आ रहा है, आई बोथ, और एट पर्टिकुलर नोड पर इस बात की बात करें तो दे मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर मेरा जो है केसीएल जो है पूरी की पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये बात अपने माइंड के अंदर सेट रखना कि इन, चलो उसे भी मैं लिखवा दूंगा। अब एक केस सेकंड ले लेते हैं यहीं। सो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहूं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहूं तो क्या होगा, एक सिंगल करंट सोर्स से हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिव वीएल, दिस इज आईएल, और यहां ये सोर्स करंट या इक्विवेलेंट करंट इक्वल्स टू आई, इक्वल्स टू आई, तो ये सिंपल आई हो जाएगा एक। ठीक, तो दूसरी बात, सीरीज में करंट सेम रहना चाहिए, पहला पॉइंट तो आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए। तो यानी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स जो है सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, चलो वो केस सेकंड देखते हैं। अब आपने बोला सर मैं तो डिफरेंट करंट सोर्स लूंगा अपने,
एक की वैल्यू आई वन, एक की आई टू, उसके बाद आप बताएं कि क्या होगा। तो मैंने बोला लेट्स ट्राई करके देखते हैं। सो दिस, मैंने दो करंट सोर्स लिए, यहां पर प्लस माइनस वी एल, ठीक है, इट इज आई एल, एंड दिस वैल्यू इज आई वन, दिस वैल्यू इज आई टू। नाउ मैंने बोला लेट्स अप्लाई केवीएल फॉर दिस केस, अप्लाई केवीएल करो, सॉरी केसीएल, लेट्स अप्लाई केसीएल फॉर दिस केस, ठीक है। सो यहां पर नोड ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर नोड पर। सो इनकमिंग करंट सम ऑफ, वही बात लिखूंगा, सम ऑफ इनकमिंग मेन करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। तो यहां पर इनकमिंग कितना आ रहा है, आई टू से आई टू, तो दिस इज आई टू, दिस इज आई वन। सो बोथ हैव डिफरेंट करंट सोर्स एंड बोथ हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। सो इट नॉट इक्वल्स, बोथ आर नॉट इक्वल, सो केसीएल इज नॉट सेटिस्फाइड, सर्किट इज नॉट वैलिड, सर्किट इज नॉट वैलिड, ठीक। तो यहां पर यह चीज आपको आई होप बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सर्किट यहां पर क्या नहीं है बेटा, वैलिड नहीं है, ठीक है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ठीक, आपको आई होप क्लियर हो गया। यानी यहां से क्या पॉइंट निकला कि यहां पर अभी मैंने डिफरेंट मैग्नीट्यूड लिया था, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, बट सेम डायरेक्शन, ठीक, डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन करंट सोर्स, करंट सोर्स नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, याद रखना। इस वाले केस के लिए क्या बोलेंगे बेटा हम लाइन, इस वाले केस के लिए हम यही बोलेंगे कि सेम सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इज वैलिड। तो हमारा केसीएल जो है इसमें सेटिस्फाइड हो रहा था, तो ये वाला जो केस फर्स्ट है इट इज ए वैलिड केस, दिस इज द इनवैलिड केस, ठीक है। अब क्या हुआ, एक केस थ्री और ले लेते हैं बेटा इसके अंदर। उस केस थ्री के अंदर एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड लूंगा, डायरेक्शन भी डिफरेंट लूंगा, तब बताइए आप। तो तब जो केस होगा उस केस थर्ड को भी देख लेते हैं हम, केस थर्ड। क्या कहना चाह रहा है बच्चा, बच्चा ये बोल रहा है कि वेट मिनट, यहां पर ये सोर्स और यहां पर ये सोर्स, दिस इज द लोड, ठीक, आई वन, दिस इज आई टू, प्लस माइनस वी एल, दिस इज आई एल, ठीक है। अब क्या करें केस थर्ड के लिए, केस थर्ड के लिए केस थर्ड के लिए बात करें बेटा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पी अप्लाई केसीएल, तो यहां पर भी क्या होगा, एक तरफ तो आई टू जा रहा है, दूसरी तरफ आई टू यानी कोई आउटगोइंग करंट
कुछ बन ही नहीं रहा यहां, दोनों आउटगोइंग करंट है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए यहां पर, आउटगोइंग करंट है, यानी आई वन प्लस आई टू इट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां पे भी केसीएल नॉट सेटिस्फाइड, केसीएल इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक। सो पॉइंट इज दैट कि केस थर्ड में क्या कहना चाह रहा हूं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स इज नॉट वैलिड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो तीन केस देख लिए हमने बेटा, लेट्स रिवाइज। केस फर्स्ट में मैंने करंट डायरेक्शन सेम लिया था एंड मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, देन द सर्किट इज वैलिड। सेकेंड केस के बात करूं तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड था, सेम डायरेक्शन थी, तो यह भी सर्किट इज नॉट वैलिड, ठीक है। थर्ड केस की बात करूं तो डायरेक्शन भी डिफरेंट थी, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट था, तब भी मेरा सर्किट वैलिड नहीं हुआ था। तो केस फर्स्ट में ही हमारा KCL सेटिस्फाइड हुआ। केस सेकंड की बात करूं, KCL इज नॉट सेटिस्फाइड। केस फर्स्ट में KCL सेटिस्फाइड, केस थर्ड में KCL इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी क्लियर हुई हों, क्योंकि मैंने बता चुका हूं बार बार, किसी भी सर्किट के वैलिड होने के लिए KCL KVL का सेटिस्फाइड और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो मैंने दिया था आपको, उसका सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कभी भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है, पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक। पैरेलल इंटरकनेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स स्टार्ट पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, दिस इज वी एस, दिस इज आई एस, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री अप टू आर एन, ठीक। तो यहां पर जो बात हो रही है, ये पैरेलल कनेक्शन है। इस पैरेलल कनेक्शन के अंदर दिस इज वी एस, आपको पता ही है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, आई एस इज द करंट सोर्स, दीज ऑल आर द रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा बेटा याद रखना है, सर, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम। यहां पे बट करंट डिवाइडेड इन ईच ब्रांच, इन ईच ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट, ठीक। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं बेटा, तो यहां पर करंट क्या होगा, डिवाइड इसमें आई वन ले लेते हैं, इसमें I2 ले लेते हैं, इसमें I3 ले लेते हैं, अप टू IN ले लेते हैं।
सो अप्लाई केसीएल, ठीक है, तो दिस आईएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एन, देन दिस इज वी एस अपॉन आर एस, या इसे आर इक्विवेलेंट कह लीजिए, दिस इज वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री प्लस वी एन अपॉन आर एन, ठीक. सो एज वी नो दैट कि वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम, सो दिस वी एस वी वन वी टू वी थ्री ऑल आर सेम, सो दैट दिस इक्वेशन विल बिकम आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर एन, ठीक है. ये हमें फॉर्मूला यहां से बेटा मिलेगा, ठीक, क्लियर. आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आर इक्विवेलेंट के अंदर इफ सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है. सो वी गॉट द वैल्यू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन अपॉन आर एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाय एन, ठीक. आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो. इन इक्वेशंस का आप यूज करिएगा, काफी अपने ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. वन अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टेंस, जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री जी एन, ये भी आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हूं. फिर यहीं से हमें क्या मिलेगा, करंट डिवीजन रूल भी मिलेगा. इन्हें मैं आपके साथ बाद में भी डिस्कस करूंगा बेटा, करंट डिवीजन रूल, ठीक है. सो यहां से अगर मेरे को किसी भी ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस वो करंट फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां पर एन सिग्मा. चलो इसे बाद में ही डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ बेटा, अभी नहीं, क्योंकि बाद में भी करना तो अभी डिस्कस करने का इसे कोई फायदा नहीं है. बट कुछ समराइज कर लेते हैं चीजों को. तो आज के टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है. पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट कि अगर डिफरेंट वोल्टेज सोर्स हैं, पोलैरिटी सेम है, डिफरेंट है, तो वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, केवीएल. केवीएल हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है. सो समरी ये है हमारी, पॉइंट ये है बेटा कि पहला पॉइंट कि सीरीज कनेक्शन में, इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज सोर्स हैव सेम पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी different direction or same direction must have satisfied KVL, ठीक है. मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सेम पोलैरिटी, डिफरेंट डायरेक्शन, अगर वो केवीएल सेटिस्फाइड करते हैं देन द कनेक्शंस आर वैलिड. बट फॉर सीरीज करंट सोर्स कनेक्शन, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन वैलिड हो सकती है, व्हेन द डायरेक्शन
एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स मस्ट हैव सेम और ऑल्सो सेटिस्फाइड केसीएल. ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ ये वाला केस वैलिड है. इफ दे हैव सेम वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू करंट सोर्स की सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है इस वाले में और ये केसीएल भी सेटिस्फाइड करते हैं तब इस वाले में ये वाला केस भी वैलिड है. ठीक है, ये वाला केस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन वाला भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं. दूसरा, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एड अप कर देते हैं अप टू एन. ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू सबसे कम होगी उससे भी बड़ी वैल्यू हमें इक्विवेलेंट में फाइंड आउट मिलेगी. ठीक है, ठीक, हमें उससे भी बड़ी वैल्यू यहां फाइंड आउट होगी पैरेलल कनेक्शन में. हमारा क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू अप टू वन अपॉन आर वन. तो जो वैल्यू यहां पर हाईएस्ट होगी उससे भी कम वैल्यू मिलेगी पैरेलल में कनेक्ट. इसमें अगर मान लो 1 ओम है, मान लो 5 ओम है, 1 ओम है, ठीक है, अप टू एन सभी की, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट 1 ओम से बड़ा फाइंड आउट होगा. इसमें मान लो आर वन सभी की वैल्यू 1 ओम है तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 1 ओम से कम फाइंड आउट होगा. तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे. अभी पैरेलल कनेक्शन रह गए हैं करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के, वो कल मैं कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा. आज के लिए इतना ही रखते हैं. तो देख लेते हैं आज हमने क्या करा है. सारी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस करी हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट, जहां हमने देखा करंट हमारा सेम रहता, वोल्टेज डिवाइस होती है, वोल्टेज सेम भी रह सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये आर इक्विवेलेंट सीरीज में सम हो जाता है. ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है, करंट डिवीजन, यहां पर ये फॉर्मूला हमने देखा. ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स पॉसिबल है डिफरेंट वैल्यू का सेम डायरेक्शन में भी. फिर सेकंड केस हमने, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट वैल्यू, ये भी सेटिस्फाइड हुआ हमारा. ठीक, सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट में हमने सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू ऑफ करंट सेटिस्फाइड हुई, बाकी कंडीशन हमारी यहां पर फेल हुई. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन देखा जहां हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट सेम है, करंट डिवाइड होती है, फॉर्मूला देखा, यहां समराइज किया. आई होप आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. हैव अ ग्रेट डे.